ये तस्वीरें दिल्ली की जामा मस्जिद की है, जहां पर वसीम रिजवी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर रखी है। उसकी मांग है कि कुरान पाक से 26 आयतों को निकाला जाए, जिसको लेकर तमाम मसलक के उलमा, तमाम मसलक के लोग काफ़ी नाराज़ है। गम गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज बरोज जुमा दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ ये ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। याद रहे कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तमाम मसलक के लोग वसीम रिजवी से ज़बरदस्त नाराज़ है। उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आज की इस रैली में मीडिया से बात करते हुए मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वसीम रिजवी ये चाह रहा था कि मसलक के लोग आपस में लड़ बैठे, आपस में फूट पैदा हो, लेकिन आज के इस एहतजाज में तमाम मसलक के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। याद रहे कि दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर होने वाले इस एहतजाज में तमाम मसलक के उलमा, तमाम मसलक के अफराद साथ मिलकर यह एहतजाज कर रहे हैं और वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।